मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिन बारिश से राहत की उम्मीद है, लेकिन इसके बाद एक नया मौसम सिस्टम एक्टिव होगा। ये सिस्टम 21 सितंबर से पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश की संभावनाएं बढ़ाएगा। राजधानी भोपाल और पूरे प्रदेश में आज मौसम साफ रहने से तेज धूप खिलने की संभावना है। IMD भोपाल के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर VS यादव के अनुसार फिलहाल वेल मार्क नॉर्थ MP के आसपास मौजूद है। मानसून ट्रफ लाइन फिरोजपुर, नारनौल और लो प्रेशर एरिया से होते हुए पूरी तरफ जा रही है। इससे अगले कुछ दिनों में बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश में एक नया सिस्टम 21 तारीख को एक्टिव होकर जबलपुर और शहडोल संभाग में बारिश कराएगा, जिससे मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। हाल ही में मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 33 घंटों में ग्वालियर में 143.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। रीवा में भी 102.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा नौगांव में 81 मिमी, सीधी में 72 मिमी, सतना में 63.3 मिमी और सागर में 33 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है। खजुराहो, दमोह, जबलपुर, मंडला और टीकमगढ़ जैसे जिलों में भी 16 से 30 मिमी तक बारिश हुई है। 1 जून से मानसून की शुरुआत के बाद से 18 सितंबर तक मध्य प्रदेश में औसतन 1058.7 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य औसत 909.8 मिमी से 16% ज्यादा है। श्योपुर में तो बारिश का आंकड़ा सामान्य औसत 650.7 मिमी से 101% ज्यादा यानी 1310.2 मिमी हो चुका है, जबकि रीवा में सामान्य औसत 942.2 मिमी से 24% कम बारिश हुई है। बात करें तापमान की तो बीते 24 घंटों में बड़वानी जिले के तालुन में सबसे ज्यादा तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस राजगढ़ में दर्ज किया गया है। देवास, ग्वालियर, छतरपुर, गुना, राजगढ़ और नर्मदापुरम में भी 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मध्य प्रदेश का मौसम इस समय उतार चढ़ाव भरा है। बारिश और तापमान में बदलाव लोगों पर असर डाल सकता है, इसलिए सभी को मौसम की गतिविधियों पर नजर रखनी होगी। अगले कुछ दिनों में एक नया सिस्टम एक्टिव होने से बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है।